सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे गैजेट्स के ऊपर। मतलब आज का जो वीडियो है ना, वो थोड़ा सा स्टोरी टाइम होने वाला है, बिकॉज मैं कभी स्टोरी टाइम वीडियो डालता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा चैनल ब्लॉग के कैटेगरी का है, तो मैं स्टोरी टाइम डालू ही क्यों। सो मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो बना रहा हूँ, सो देखते हैं कैसे बनाता है। और मैंने ना ही कभी बनाया, ना ही मुझे कभी बनाना आता था, सो देखते हैं कैसा आज का बन पाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ मेरा कैमरा कौन सा है। सो भैया, जो मेरा कैमरा है इधर की किडनी बेच के लिए है। सच्ची भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इधर की किडनी, क्या बोलते हैं, किडनी ना, इधर की किडनी बेच के लिए आया है। कौन सी रहती? हाँ, फेक वाली, हाँ सॉरी, फेक वाली किडनी होती है, वो बेच के लिए है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अभी आपको मैं सब कुछ जो है बताने वाला हूँ। सो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, सो इसके अंदर देखते हैं, खुल जा आसिम सिंह, इसके अंदर है जादू। अरे कुछ भी नहीं, एक यहाँ पे रखा हुआ है, जो यहाँ पे माइक है इसकी डब्बी है, और ठीक है नहीं, इसके अंदर है लेंस कैप, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और अभी आप सोच होंगे कि इसका जो बक्सा है वो कहाँ पे, कैमरे का। सो कैमरे का बक्सा मैं वहाँ पर से लेके नहीं आया था, बिकॉज वहाँ से मैं इसलिए लेकर नहीं आया क्योंकि लेके आने में बहुत ज़्यादा हो रही थी भाई प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए भाई मैंने उनसे बोला कि यार बैग कैमरे का होता है, वो बैग मुझे आप दो। तो उन्होंने बोला एक्स्ट्रा आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा तो भाई ठीक है, कभी भी कहीं पर भी जाने के लिए चाहिए ना बैग, तो उसकी वजह से बैग भी ले लिया और वो वहीं का वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद सो गाइस, रुक रुक के ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, बिकॉज यार कभी बादल आ रहे हो और कभी धूप आ रही है। धूप जब आती है ना भाई, तब जो सेटिंग किया है उस सेटिंग की ऐसी तैसी हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा रुकना भी पड़ रहा है। और पसीना भाई, अगर शर्ट निकालूंगा ना तो अंदर से नहाया हुआ है, तो कोई नहीं। सो भाई अभी देखो, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी ना मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, पता नहीं, बारिश तो होने का नाम ही नहीं ले रही है, और ऊपर से आपको बता दूँ बारिश तो हो ही नहीं रही है, और साथ ही में गाइस बादल आ रहे और जा रहे, आधे जा रहे, इसकी वजह से मेरे मुझे ब्लॉग भी बनाने दे रहे और किसान को खाद भी पेरने के लिए नहीं दे रहे। अबे कैसा यार, क्या ये स्वर्ग का, क्या सॉरी निसर्ग का तो पता ही नहीं क्या चलता क्या रहता है। सो छोड़ो, सो यहाँ पर देख सकते हो बारिश आ गई गाइस, और यहाँ पर तो भाई आपको बता दूँ मैंने जो कैमरा लिया है वो कैनन का US 700D है, और ये मैं हैदराबाद में लिया था। सो कुल उसकी जो प्राइस है, एक आईफोन 14 प्रो ले सकते हो, 14 प्रो, बस 14 ही रख लो, क्योंकि बता सकता हूँ प्राइस पर यार कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, तो उसकी वजह से मैं प्राइस बता नहीं पा रहा हूँ। और एक लेंस भी लेने वाला हूँ एक हाल ही में, एक दो तीन महीनों में मैं एक लेंस लेने वाला हूँ, और लेंस है 50mm का ही लेंस लेने वाला हूँ, और इससे जो भाई क्वालिटी जो आने वाली है ना भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल, क्योंकि उसका जो एपरेचर है ना वो भाई 1.8 जाता है, और उसका 5.6 है। सो कोई नहीं, तो गाइस देखो व्लॉग आज का उतना कुछ खास स्टोरी टाइम मैंने बना लिया है। और देख सकते हो मेरे पास एक माइक भी है, बोया का बोया M1, सो यहाँ पर देख सकते हो, और इसके अंदर कंडेंसर है ही नहीं, मैंने डायरेक्ट बना लिया है। और इसको कैसे यूज़ करना है क्या नहीं, वो मैंने परसों के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि उस व्लॉग के अंदर बोया माइक को रिपेयर कैसे करना है। इसके अंदर रिंग है मेरे शॉर्ट चैनल की, तो उस शॉर्ट चैनल के अंदर मैंने इसको रिपेयर करके आपको दिखाया था। सो गाइस, सो आज के इस व्लॉग में इतना ही था। तो चलो थोड़ा सा बाहर जाते हैं और कैमरे को रखते हैं। देखो गाइस, फिर से धूप आ चुकी है, तो वीडियो की पूरी वाट लग चुकी है गाइस। सो बंद कर यार।